नमस्कार दोस्तों, मैं राम, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के स्टॉक गुरु में। दोस्तों, आज जो स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 86 पैसे पे। दोस्तों, अभी मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पर और वहाँ पर हम और डिटेल एनालिसिस करेंगे पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। दोस्तों, पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -99.15%। 5 ईयर्स में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 258.33%। 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो दिया 244%। ईयर टू डेट जो रिटर्न दिया है वो दिया है 145.71%। 6 मंथ में रिटर्न दिया है वो दिया 104.76%। 1 मंथ में रिटर्न दिया है वो दिया 34.37%। 5 डेज में रिटर्न दिया है वो दिया है 8.86%। एंड 1 डे में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 4.88%। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को ले चलता हूँ स्किनर वेबसाइट पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जो बेल आइकन का बटन उसे ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं स्किनर वेबसाइट पर और यहाँ पर हम पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड का और डिटेल एनालिसिस करेंगे। कंपनी के बारे में जानते हैं, पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। पैन इंडिया कॉर्पोरेशन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्ट इन बाय सेल ट्रांसफर हाइपोथिकेट डील इन। जो पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है, बेसिकली काम जो करती है इन्वेस्ट करती है बाय सेल ट्रांसफर हाइपोथिकेट एंड डील इन एंड डिस्पोज ऑफ एनी शेयर्स स्टॉक्स डिबेंचर्स। डिस्पोज करती है शेयर्स स्टॉक एंड डिबेंचर का। इसकी जो मार्केट कैप है पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वो है 17.6 करोड़ की है। इसकी जो करंट प्राइस है वो है 82 पैसे की। 52 वीक हाई है 84 पैसे का और लो है 19 पैसे का। ये अपने 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉक पी है इसकी डिटेल यहाँ नहीं है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो है 65 पैसे की। डिविडेंड यील्ड है 0% की। आरओसी है -7.30% की। आरओई है -7.30% की। इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज़ की। दोस्तों, यहाँ पर आप पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चार्ट देख सकते हैं। 1 सालों में इसने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। क्रॉस चेक करते हैं, कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री। पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड लगभग कर्ज मुक्त कंपनी है। कंपनी है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लो है। गियर कंपनी चेक करते हैं पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, कि जो काम करती है इंडस्ट्री फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है। जो इंडस्ट्री है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की है। इस सेक्टर में नंबर वन कंपनी है बजाज फाइनेंस है। उसके बाद बजाज फिंसर्व है, उसके SBI कार्ड है, फिर मुथूट फाइनेंस है, फिर HDFC AMC है, वह चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस है, फिर बजाज होल्डिंग है, उसके बाद पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। मार्च 2009 में जो नेट प्रॉफिट था वो था -0.83 करोड़ और अभी जो नेट प्रॉफिट है मार्च 2021 में वो है -0.95 करोड़। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। मार्च 2015 में जो इसका नेट प्रॉफिट था वो था -0.48 करोड़ और अभी मार्च 2021 में जो इसका नेट प्रॉफिट है वो है -1.06 करोड़। अच्छा, डिटेल चेक करते हैं कंपनी के बारे में। कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, यहाँ पर कोई डिटेल नहीं है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स में कोई डिटेल नहीं है। 5 ईयर्स में 14%, 3 ईयर्स में डिटेल नहीं है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में है 4%, 5 ईयर्स में है 25%, 3 ईयर्स में है 63% और 1 ईयर में है 215%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, यहाँ पर कोई डिटेल नहीं है। लास्ट ईयर है वो है -7%। बैलेंस शीट चेक करते हैं पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। मार्च 2015 में जो टोटल एसेट थी वो थी 30
2.79 करोड़ की। अभी जो नेट जो टोटल एसेट है मार्च 2021 में वो है 16.81 करोड़। कैश फ्लो चेक करते हैं, मार्च 2015 में पैन इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास जो नेट कैश फ्लो था वो था 0.07 करोड़, और मार्च 2020 में जो नेट कैश फ्लो है वो है 0.01 करोड़ का। रेशियो चेक करते हैं, मार्च 2016 में जो ROC था वो था -38.41%, और अभी जो ROC है मार्च 2020 में वो है -7.30%। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं, जून 2018 में जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग थी वो थी टोटल 45.51%, और मार्च 2021 में प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो है 45.51%। इस शेयर में एक अच्छी बात यह है कि प्रमोटर्स के पास जितने शेयर पहले थे उतने शेयर अभी भी हैं, शेयर होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। इस शेयर में DI ने भी इन्वेस्टमेंट किया था, सितंबर 2018 में DI ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था 0.01% का, लेकिन मार्च 2019 में उन्होंने इसे सेल कर दिया और अभी DI के पास कोई होल्डिंग नहीं है। जून 2018 में पब्लिक के पास जो शेयर थे वो थे 54.48%, और अभी पब्लिक के पास जो शेयर हैं मार्च 2021 में वो है 54.49%। तो दोस्तों, इस शेयर में जो मेजर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स एंड पब्लिक के पास ही है। इसमें पहले DI ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, लेकिन उन्होंने अभी अपनी होल्डिंग बेच दी है। अभी DI के पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इस शेयर में। दोस्तों, पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद।